हाँ कक्षा 10 वाले बच्चे ध्यान देंगे। अभी तक आप लोग दो पाठ तक का अध्ययन कर चुके हैं, आज आप लोग के सामने तीसरा पाठ, जिसके कवि हैं रस खान, जिसका नाम से है रस के खान, जिसे कहते हैं उन्हें रस खान कहते हैं, जिनका जन्म सन 1548 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1533 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान था दिल्ली, अन्य भी स्थान के जन्म स्थान काफ़ी विवाद है, कुछ लोग पिहानी और हरदोई उत्तर प्रदेश को भी मानते हैं। इनकी जो भाषा थी वह ब्रज भाषा थी और इनकी जो मृत्यु हुई थी वह सन 1628 ईस्वी में हुई थी। इन्हें इनका जो मूल नाम था उन्हें सर सैयद इब्राहिम के नाम से भी जाना जाता था। वैसे ये एक मुस्लिम कवि थे, लेकिन मुस्लिम कवि होने के साथ साथ इन्होंने कृष्ण भक्ति की जो धारा बहाई है उस धारा के कारण ये आज हिंदी साहित्य में एक स्वर्णिम अक्षरों से अपने नाम को अंकित कर गए हैं, क्योंकि इनके बारे में कहा बहुत सारी कविंदियाँ प्रसिद्ध हैं। ये एक दिल्ली के सरदार पठान थे माना जाता था, लेकिन जब दिल्ली में विप्लव को देखते हैं तो वे पूरे दिल्ली का त्याग करके ये मथुरा वृंदावन चले आते हैं और वहीं पर श्री कृष्ण की भक्ति धारा में डूब जाते हैं। ये मुख्यतः रीतिकाल के कवि थे, लेकिन ये रीतिकाल के होते हुए इन्होंने कृष्ण भक्ति धारा को आगे बढ़ाने का कार्य किया है, इसलिए इन्हें रीतिकाल का कृष्ण भक्ति शाखा का कवि के अंतर्गत रखा जाता है। ये इनके कुछ पद सवय शीर्षक से आपके इस किताब में संग्रहित किए गए हैं, अगर आप लोग ध्यान देंगे तो बहुत जल्दी ही यह पाठ आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो देखिए क्या पहला पद, मानुष हो तो वहीं रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, अजो पशु हो तो कहाँ बस मीरो, चरो नित्य नंद की धेनु मझारन, अपाहन हो तो वहीं गिरी को जो धर्यो कर छत्र पुरंदन धारण, अजो खग हो तो बसेरो करो मिलिका लिंदी कुल कदम्ब की डारन। यहाँ भक्त कवि रस खान जी भगवान श्री कृष्ण की वंदना करते हुए कह रहे हैं कि हे प्रभु, कर मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल के गांव के गण के, हे श्री कृष्ण जी अगर मनुष्य के रूप में घर मेरा इस पृथ्वी पर दोबारा जन्म हो, बस मेरी यही चाहत है कि मैं ब्रज में बसो ब्रज गोकुल गांव के गण में गोकुल ब्रज और गोकुल के ग्वाल बालाओं के साथ उनके गांव में निवास करूं। हे श्री कृष्ण जी अगर मनुष्य के रूप में अगर मेरा फिर से अगर जन्म होता है तो बस मेरी यही चाहत है कि मैं ब्रज और गोकुल के ग्वाल बालाओं के गांव में ही निवास करूं। और जो पशु हो तो कहां बस मेरो चरित नित्यानंद के धेनु मझारन, हे प्रभु अगर पुरुष पशु के रूप में अगर मेरा जन्म हो तो मेरे ऊपर मेरा कोई अधिकार नहीं होगा, लेकिन फिर भी मेरी बस यही चाहत है कि चरो नित्य नंद की धेनु मजार है, मैं रोज नंद जी के गायों के साथ वन में चरने जाऊं। अगर पशु के रूप में वो मेरा जन्म हो तो मेरे ऊपर मेरा कोई अधिकार नहीं होगा, लेकिन बस मुझे एक ही बात की चाहत है कि मैं रोज नंद जी के गायों के साथ
जंगल में गायों का चरने जाऊं। अब पाहन हो तो वही गिरि को जय धरे कर छत्र पुरंदर धारण। अगर पत्थर के रूप में अगर मेरा जन्म हो तो उसी पर्वत पे हो प्रभु, अगर पत्थर के रूप में अगर मेरा जन्म हो तो उसी पर्वत पे हो जिस पर्वत को पुरंदर धारण इंद्र के अहंकार को तोड़ने के लिए श्री कृष्ण ने जिस गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया था उसी पर्वत में जन्म लेने की आकांक्षा रखता हूँ। हे प्रभु, अगर पत्थर के रूप में मेरा जन्म हो तो उसी पर्वत गोवर्धन पर्वत पे हो जिस गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण ने इंद्र के घमंड को चूर करने के लिए अपने हाथों पर अपनी उंगलियों पर उठा लिया था। और जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम किरारन। अगर हे प्रभु, अगर पक्षी के रूप में मेरा जन्म हो तो मैं उसी वृक्ष पर बसेरा करूं, उसी कदम के वृक्ष पर बसेरा करूं जिस कदम पर वृक्ष बैठ करके श्री कृष्ण अपनी बांसुरी को बजाया करते थे। हे प्रभु, अगर पक्षी के रूप में मेरा जन्म हो तो उसी वृक्ष पर मैं बसेरा करूं जिस वृक्ष पर जिस कदम के वृक्ष पर बैठ करके श्री कृष्ण यमुना नदी के किनारे बांसुरी को बजाया करते थे। एक बार फिर से देखिएगा आप लोग, यहाँ पर भक्तकवि स्कान जी भगवान श्री कृष्ण की वंदना करते हुए कह रहे हैं कि हे ईश्वर, हे प्रभु श्री कृष्ण, अगर मनुष्य के रूप में अगर इस पृथ्वी पे मेरा दोबारा जन्म हो तो बस मेरी यही चाहत है कि मैं ब्रज और गोकुल के ग्वाल बालाओं के साथ उन्हीं के गांव में निवास करूं। अगर पशु के रूप में अगर मेरा जन्म हो तो मेरे ऊपर मेरा कोई अधिकार नहीं होगा, लेकिन फिर भी बस मेरी यही चाहत है कि मैं नंद जी की गायों के साथ रोज वन में चरने जाऊं। अगर पर्वत पत्थर के रूप में मेरा जन्म हो तो उसी गोवर्धन पर्वत पे हो जिस गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण ने भगवान इंद्र के घमंड को चूर करने के लिए अपनी उंगलियों पर उठा लिया था। अगर हे प्रभु, अगर पक्षी के रूप में मेरा जन्म हो तो उसी कदम्ब के वृक्ष निवास करूं जिस यमुना नदी किनारे किस उसी हाँ अगर पक्षी के रूप में मेरा जन्म हो तो यमुना नदी की उसी कदम्ब के वृक्ष पर निवास करूं जिस कदम्ब के वृक्ष पर बैठ करके श्री कृष्ण बांसुरी को बजाया करते थे। आज गई हुती भो रही हैं रस खांड रही वही नंद की भाव नहीं, वाक्य जियो जुग लाख करोड़ जसो मति को सुख जात कहो नहीं। अतेल लगाई लगाई के आंजन इंजन भवें बनाई बनाई डिठाओ नहीं। अड्डारी हे मलनी महार निहारत वारत जो कुछ कारत छो नहीं। ध्यान देंगे यहाँ पर श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का बाल स्वरूप का यहाँ पर रसखान जी वर्णन कर रहे हैं कि आज गई होती भो रही है रस खाने रही वही नंद की गाने भो नहीं। एक सखी अपने दूसरे सखी से कहती है कि हे सखी, आज मैं सुबह उठ करके भोर में ही नंद जी के घर पर गई थी। हे सखी, आज मैं भोर में ही उठ करके नंद जी के घर पर गई थी। वाको जियो जुग लाख करोड़ उनका जो लाडला पुत्र श्री कृष्ण है वह लाखों करोड़ों वर्ष तक जिए जसो मति को सुख जात कोई नहीं। ऐसे पुत्र को प्राप्त करके माता यशोदा को जिस सुख की प्राप्ति हो रही है उस सुख के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। उनका जो लाडला पुत्र श्री कृष्ण है वह लाखों करोड़ों वर्ष तक जिए और माता सुधा ऐसे पुत्र को प्राप्त करके जिस सुख को प्राप्त कर रही है
उस सुख के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तेल लगाई लगाई के अंजन भाव में बनाई बनाई डिटोनी। मैंने देखा कि उनकी माता यशोदा जो हैं उनके शरीर पर तेल लगा रही हैं और उनकी आँखों में काजल लगा रही हैं और उनकी भाव में बन और अंजन आने के बाद उनकी भावें को ठीक कर रही हैं, उनकी ढोड़ी और भावें को ठोड़ी और भावें को ठीक कर रही हैं। मैंने जाकर सुबह सुबह देखा कि उनकी माता उनके शरीर पर तेल लगा रही हैं और उनकी आँखों में काजल लगा रही हैं और काजल लगाने के बाद उनकी भावें और भावें को अच्छी तरह से बना रही हैं। अड्डारी हेमलनी हारनी आरत वरत जो पुचकारत छोनी, और उनके गले में हेमलनी की माला को डाल करके बार बार उन्हें पुचकारते हुए प्रेम अपने प्रेम भाव को प्रकट कर रही हैं और उनके गले में हेमलनी की माला को डाल करके बार बार उनको देख रही हैं और उसके साथ पुचकारियां करते हुए उनके साथ अपने प्रेम भाव को प्रकट कर रही। ध्यान देंगे फिर से एक बार, यहाँ पर रसखान जी कह रहे हैं या एक सखी अपने दूसरे सखी से कह रही है कि हे सखी, आज मैं भोर में ही उठ करके नंद जी के घर पर गई थी। उनका जो लाडला पुत्र श्री कृष्ण है वह लाखों करोड़ों वर्ष तक जिए और माता यशोदा ऐसे पुत्र को प्राप्त करके जिस सुख की प्राप्ति कर रही हैं उस सुख के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। मैंने वहाँ जा कर के देखा, उनकी माता उनके शरीर पर तेल लगा रही थी और तेल लगाने के बाद उनकी आँखों में काजल लगा रही थी और उनके भावों को बना करके उनको किसी का नज़र न लगे इसलिए उनके माथे पर काला टीका लगा रही थी, उनके पूरे शरीर पर तेल लगा रही थी, तेल लगाने के बाद उनकी आँखों में काजल लगा रही थी, काजल लगाने के बाद उनके भावें को बनाने के उपरांत उन्हें किसी की नज़र न लगे इसलिए उनके माथे पर काला टीका लगा रही थी और उनके गले में हेमलनी की माला डाल करके हार को पहना करके उन्हें बार बार देखती हैं और कुछ करते हुए अपने प्रेम भाव को उनके सामने प्रकट कर रही हैं। हाँ जरा ध्यान देखिए, अगला धूरी भरी अरे अति शोभित श्याम जू तैसी बनी सिर सुंदर छोटी अखेलत खात फिर अंगना पग पैजनी बाजत पीरी क छोटी वाछ बिको रस खानी बिलोकत काम कला निज कोटी अकाग के भाग बड़े सजनी हरी हाथ से लो गयो माखन रोटी। अच्छी कविता है कि वाछ बिको रस खानी बिलोकत काम कला वरत काम कला निज कोटी अकाग के भाग बड़े सजनी हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी। देखिए इसमें रसखान जी फिर से श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य और नटखट स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं और वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि धूरी भरे अति शोभित श्याम जी तैसी बनी सिर सुंदर छोटी, धूल से लतपत जो श्री कृष्ण का जो स्वरूप है अत्यधिक सुशोभित होता हुआ दिखलाई दे रहा है। तैसी बनी सिर सुंदर छोटी, उसी प्रकार उन्होंने अपने सिर पर एक सुंदर सी चोटी भी बांध रखी है। धूल से लतपत जो श्री कृष्ण का सामान्य स्वरूप है वह अत्यधिक सुशोभित होता हुआ दिखलाई दे रहा है और अपने सुंदरता के अनुरूप ही उन्होंने अपने सिर पर एक सुंदर सी चोटी बांध रखी है। अखिलत खत फिरे अंगना पग पैजनी बाजत पीरी का छोटी,
वह खेलते हुए खाते हुए वह नंद जी के आंगन में इधर से उधर घूम रहे हैं, जिससे उनके जो पैरों की पैजनी है वह बज रही है और इन्होंने पीले रंग की लंगोट को पहन रखा है। वह खेलते हुए खाते हुए नंद जी के आंगन में इधर से उधर घूम रहे हैं, जिससे उनके पैरों की जो पैजनी है वह बज रही है और उन्होंने पीले रंग की उन्हें पीले रंग की लंगोट को पहन रखा है। वह छवि को रसखाने बिलोकत वार्त काम कला निज कोटि। रसखान जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के इस बाल सौंदर्य को देख करके, श्री कृष्ण के इस बाल सौंदर्य को देख करके मैं उनके ऊपर करोड़ों कामदेव वार्त काम करण कोटि करोड़ों कामदेव की सुंदरता को भी न्यौछावर कर देना चाहता हूँ। श्री कृष्ण रसखान जी कह रहे हैं श्री कृष्ण के इस बाल सौंदर्य को देख करके उनके ऊपर करोड़ों कामदेव की सुंदरता को भी न्यौछावर कर देना चाहता हूँ। अकाग्य के भाग बड़े सजनी हरी हाथ से ले गया मांगे। हे सखी उस कव्य का भाग कितना अच्छा है, हे सखी उस कव्य का भाग कितना अच्छा है कि वह श्री कृष्ण के हाथों से माखन और रोटी छीन करके लेकर के जा रहा है। हे सखी उस कव्य का भाग कितना अच्छा है कि वह श्री कृष्ण के हाथों से माखन और रोटी छीन करके ले जा रहा है और हम लोग हैं कि उनको छू तक नहीं पाते हैं। एक बार फिर देखिएगा यहाँ पर रसखान जी कह रहे हैं कि जो धूल से लथपथ श्री कृष्ण जी हैं, सांवले रंग के श्री कृष्ण जी हैं, वह अधिक सुंदर दिखलाई दे रहे हैं और उसी सुंदरता के अनुरूप ही उन्होंने अपने सिर पर एक सुंदर सी चोटी बांध रखी है। वह खेलते हुए खाते हुए नंद जी के आंगन में इधर से उधर घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जिससे उनके पैरों की जो पैजनी है वह बज रही है और उन्होंने पीले रंग का एक लंगोट को पहन रखा है। रसखान जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के इस बाल सौंदर्य को देख करके मैं करोड़ों कामदेव की सुंदरता भी उनके ऊपर न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ। अंत में कहते हैं कि हे सखी उस कवि का भाग कितना अच्छा है कि वह श्री कृष्ण के हाथों से माखन और रोटी छीन कर लेकर के जा रहा है और हम लोग कितनी अभाग्यशाली हैं, दुर्भाग्यशाली हैं कि हमें उन्हें छूने तक का भी अवसर प्राप्त नहीं होता। देखिएगा फिर से अगला वाला। जा दिन ते वह नंद का छोरा या बन धेनु चराई गयो है, मोहन तानन गोधन गावत बीन बजाई रिझाई गयो है। वा दिन से कछु टोना सुके रसखानी ही में समाई गयो है, अको न कहूँ कि कानी कर सिगरे ब्रजबीर बिकाई गयो है। अब ध्यान देंगे यहाँ पर श्री कृष्ण जब ब्रज को छोड़ करके मथुरा चले जाते हैं और मथुरा से लौट करके नहीं आते हैं, जो ब्रज की गोपियां हैं वह काफ़ी व्याकुल हो जाती हैं, वह काफ़ी दुखी हो जाती हैं और उनकी दुखी अवस्था का यहाँ पर रसखान जी चित्र करने का प्रयास कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जा दिन ते वह नंद का छोरा, जिस दिन से नंद जी का पुत्र श्री कृष्ण या बंधन यहाँ वृंदावन के वनों में अपनी गायों को चरा करके गया है, जिस दिन से नंद जी का पुत्र श्री कृष्ण हमारे वनों में अपनी गायों को चरा करके गया है, अब मोहन तन गोदन गावत अपने बांसुरी पर मन को मोहने वाली तान को छेड़कर
गायों के गीत को गाकर, बांसुरी को बजाकर और हम लोग को प्रसन्न करके गया है। अपने बांसुरी पर मन को मोहने वाली तान को छेड़कर, गायों के गीत को गाकर, बांसुरी को बजाकर हम लोगों को रिझा करके या प्रसन्न करके गया है। वह दिन से कछुटो न सके रस कहानी ये में समाई गए हो। उस दिन से ऐसा लगता है कि उसने हमारे ऊपर कोई जादू टोना कर दिया है। उस दिन से ऐसा लगता है कि उसने हमारे ऊपर कोई जादू टोना कर दिया है और हमारे हृदय में भी वह पूर्णतया समा गया है। और हमारे हृदय में भी ऐसा लगता है कि पूर्णतया समा गया है। अको न कहूँ कि कहानी कर सगरो ब्रज वीर बिकाए गए हैं। उस दिन से कोई किसी की बात को सुनता नहीं, कोई किसी कार्य को करता नहीं। ऐसा लगता है कि ब्रज के जो सभी वीर हैं वह श्री कृष्ण के हाथों विक गए हैं। ऐसा लगता है जो ब्रज के सभी वीर हैं वे श्री कृष्ण के हाथों विक गए हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पर भक्त कवि रसकान जी जब श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़ करके मथुरा ब्रज को छोड़ करके मथुरा चले जाते हैं और लौट करके नहीं आती हैं, तो जो ब्रज की गोपियां हैं वह काफ़ी व्याकुल हो जाती हैं और अपने पुराने दिनों जो बीते हुए दिनों को याद करने लगती हैं और सोचती मन ही मन सोचती हैं कि जिस दिन से नंद जी का पुत्र श्री कृष्ण हमारे वनों में गायों को चरा करके गया हुआ है और अपनी बांसुरी पर मन को मोहने वाली तान को छेड़कर, गायों के गीत को गाकर, बांसुरी को बजाकर और हम लोगों को प्रसन्न करके यहाँ से गया है। उस दिन से ऐसा लगता है कि उसने हम सभी लोगों के ऊपर कोई जादू टोना कर दिया है और वो हमारे हृदय में पूर्णतया समा गया है। उस दिन से, जब से वहाँ से गया है, उस दिन से कोई किसी का कोई कार्य नहीं करता, कोई किसी की बात को नहीं सुनता। ऐसा लगता है जो ब्रज के सभी वीर लोग हैं वह श्री कृष्ण के हाथों बिक गए हैं। आज के लिए चार ही पद काफी हैं, इसके आगे अगले दिन देखा जाएगा। इसकी जीवन परिचय के बाद लोग देख लेंगे, अच्छे ढंग से समझ लेंगे और सेकेंड लेसन आप कंप्लीट करने के बाद थर्ड लेसन का भी आप लोग उसी अनुसार कार्य करना प्रारंभ कर देंगे। कोई चीज़ छूटनी नहीं चाहिए।